अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। पेट्रोल डीजल के रेट में लगातार हो रही वृद्धि का असर अब आम जनजीवन पर तेजी से पड़ रहा है। अमूल दूध के रेट 2 रुपए प्रति लीटर केवल इसलिए ही बढ़ा दिए गए। इस महीने देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले LPG रसोई गैस सिलेंडरों के कीमतों में 25.50 रुपए का इजाफा कर दिया है। वहीं 19 किलोग्राम के सिलेंडर में 76 रुपए का इजाफा किया गया है। सब्जियों व दाल आदि अन्य खाद्य पदार्थों के रेट भी आसमान छू रहे हैं। इसका विरोध करते हुए आज UP के मेरठ जिले में राष्ट्रीय लोकदल महिला प्रकोष्ठ सड़क पर उतर आया। प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सन्ना सिंह के नेतृत्व में आज महिलाओं ने कमिश्नरी पर धरना प्रदर्शन कर देश के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि गैस की कीमत में बेइंतहाशा वृद्धि ने घर की रसोई के बजट को किरकिरा कर दिया है। कोरोना व लॉकडाउन के कारण तमाम लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सरकार राहत देने की बजाय आम जन का तेल निकालने पर तुली हुई है। इस मौके पर प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष सन्ना सिंह ने फर्स्ट बाइट से यह कहा। आज यहाँ पे महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय लोकदल ने ये कार्यक्रम प्रदर्शन का करा है। ये इस विषय पे हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं केंद्र सरकार महंगाई पे महंगाई बढ़े जा रही है। केंद्र सरकार ये नहीं सोच रही है, अभी लॉकडाउन खुला है, COVID-19 से इतने लोग हमारे बीच नहीं रह रहे हैं, लेकिन फिर भी गैस पे भी महंगाई बढ़ रही है, दूध पे भी महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल पे भी महंगाई बढ़ रही है। तो केंद्र सरकार से बस इतना कहना चाहेंगे, राष्ट्रपति जी से हम हमारे देश के इतना कहना चाहेंगे, कृपया करके जनता के बारे में सोचिए, क्योंकि ये जनता ही है जो आपको खड़ा करती है। आप ये मत भूलिए कि जनता की वोट से ही आज आप सत्ता में हैं। महिलाओं में इतना आक्रोश है, जैसे कि गैस सिलेंडर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है घरेलू काम महिला ही देखती है, महिला ही अपना चलाती है, क्योंकि लॉकडाउन अभी खुला है, जैसे कि आमदनी बिल्कुल नहीं हो रही है, और फिर भी रेट पे रेट बढ़े जा रहे हैं। कृपया करके रेट के दाम कम करिए गैस के दाम। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना संक्रमण की धीमी पड़ी गति एक बार फिर से आज स्पीड लेती नजर आई है, यानी कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। लिहाजा सरकारी गाइडलाइन का पालन करें, घर पर रहें, सेफ रहें और देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।